हेलो मेरे प्यारे बच्चों आज के लेवल अप सीरीज में हम बात करेंगे ग्राफ्स की और ग्राफ में भी तीन पर्टिकुलर ग्राफ्स की एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो कि पहला ग्राफ है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ और वेलोसिटी का स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट ग्राफ दीज आर दी थ्री स्पेशल ग्राफ्स विच कैन बी आस्ट इन योर एग्जाम्स स्पेशली ये एडवांस या कोई भी ओलंपियाड एग्जाम्स में तो जब भी ग्राफ दिया होता है बच्चों तो यहाँ पे ग्राफ में दो चीजें पर्टिकुलरली आपको देखनी होती हैं या तो उस ग्राफ में स्लोप का सिग्निफिकेंस होता है या एरिया में एरिया का सिग्निफिकेंस होता है या कई ग्राफ्स होते हैं स्पेशली जैसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसमें बोथ स्लोप एंड एरिया दोनों का ही सिग्निफिकेंस होता है फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है एंड देर वेलोसिटी टाइम ग्राफ अभी तक जो हमने पढ़ा है जितने भी ग्राफ एक्सटी वी टी ए टी ग्राफ उसमें सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है नाउ विल टॉक अबाउट एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी स्क्वायर डिस्प्लेसमेंट तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ तो आपको ये इक्वेशन ए इज इक्वल टू डी वी बाई डी तो पता ही है लेकिन डी वी बाई डी में एक्सेलरेशन ये तभी पॉसिबल है जब वेलोसिटी टाइम का फंक्शन है अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन फंक्शन है जैसे कि सेकेंड वाला ग्राफ तो मैं इसको लिखूंगा वी इन टू डी वी बाई डी एस और ये जो आया ये कहां से आया चेन रूल से आया आपने पहले स्टडी किया होगा डी वी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी और डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम जो होता है ये वेलोसिटी हो जाता है एंड देयरफोर वी कैन राइट दिस एक्सेलरेशन इन द फॉर्म ऑफ वी डी वी बाई डी एस तो आप देखो एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ क्या होगा अगर मैं ए को डीएस से मल्टीप्लाई कर देता हूं ए डी एस आप तो आपको ये समझ में आ गया कि ए डी एस जो है ये तो दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन है और जब भी ऐसा हम करते हैं तो एरिया की हम बात कर रहे होते हैं तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा v इन टू डी इनिशियल वेलॉसिटी से लेके फाइनल वेलॉसिटी तक और ये जो ग्राफ होगा ए एस का इसमें दिस एरिया अंडर ए एस ग्राफ तो अब यहां से क्या आ गया एरिया अंडर एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल गिव मी ऑन द राइट हैंड साइड हाफ क्योंकि वी स्क्वायर बाई टू होगा और कहां से कहां तक वी फाइनल होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल होल स्क्वायर तो राइट हैंड साइड कुछ ऐसा आ जाएगा सो एरिया अंडर ए डी एस ग्राफ विल गिव मी दिस और इसी का आगे जाके आप स्टडी करोगे दिस इज नथिंग बट अगर मैं दोनों तरफ एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आप देखो क्या हो जाएगा दोनों तरफ अगर मैं एम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो एम ए इंटू डी एस एंड दिस इज नथिंग बट फोर्स इन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू हाफ एम वी फाइनल होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल होल स्क्वायर ये टेंथ में भी आपने स्टडी किया होगा दिस इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और इस साइड वर्क डन हो गया वर्क so डन इसी से डिराइव होता है वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एक्सलेशन डिसप्लेसमेंट ग्राफ ओके नाउ लेट्स मूव टू वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ जो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है इसका अगर आप देखोगे तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ स्लोप जो होगा स्लोप ऑफ वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट ग्राफ विल बी इक्वल टू डी वी बाई डी एस अब डी वी बाई डी एस इंडिविजुअली आपने कुछ स्टडी वैसे तो नहीं किया था बट आप अगर लेफ्ट वाला ही ग्राफ देखोगे या इक्वेशन देखोगे तो दिस विल बी नथिंग बट एक्सेलरेशन बाई वेलॉसिटी और क्लियरली मैंने आपको बताया था कि जब भी वेलॉसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता है तो एक्सेलरेशन और वेलॉसिटी दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में होते हैं या फिर एक्सेलरेशन और वेलासिटी जो है दोनों ही नेगेटिव डायरेक्शन में होंगे और अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कम हो रहा है तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे या तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एंड सिमिलरली एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन में सो दिस इज बेसिकली डायरेक्टली अगर ये स्लोप इज़ पॉजिटिव मतलब मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है स्लोप नेगेटिव है तो मैग्नीट्यूड डिक्रीज़ कर रहा है तो इस इसके अलावा यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फाइंडिंग ए एंड वी एट अ पर्टिकुलर टाइम स्लोप निकाल के एंड द थर्ड ग्राफ वी स्क्वायर एस इसका सिग्निफिकेंस है अगर मैं uh, देखूं आपने इक्वेशन तो लिख लिया ए इज इक्वल टू वी डी वी डी एस तो यहां पे स्लोप क्या होगा देखें स्लोप इज इक्वल टू डी वी स्क्वायर बाई डी एस यही होगा इसका स्लोप वी स्क्वायर एस का अब स्लोप को आगे फर्दर हम सॉल्व करें तो क्या आएगा टू इन टू वी डी वी बाई डी एस और ये देखो लेफ्ट वाले में क्या है ए इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एस तो क्लियरली दिस इज इक्वल टू टू टाइम्स एक्सेलरेशन एंड देयर फोर स्लोप जो इसका है ये टू टाइम्स एक्सेलरेशन होगा एंड दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर ग्राफ तो अगर आपको सिग्निफिकेंस समझ में आ गया है तो हम चलो कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ये क्वेश्चन मैंने आपको टेलीग्राम में दिया भी हुआ है और टेलीग्राम में अगर ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपने सॉल्व कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है आप एक बार चेक कर सकते हो नहीं टेलीग्राम ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर लो वी अंडर स्कोर वैप इज माई टेलीग्राम आई डी जहां पे मैं पुल्के सर पाहुल सर वी आर वेरी एक्टिव वी कीप शेयरिंग लॉट ऑफ कॉन्टेंट नॉट ओनली अकेडमिक बट ऑल्सो मोटिवेशनल स्केड्यूलिंग और आपको क्या करना चाहिए कैसे तैयारी करनी चाहिए नीट और जेई एडवांस और जेई मीन दो तीनों के बच्चों के लिए ठीक है सो लेट्स मूव अहेड एंड लुक एट दिस प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम कहता है एक स्ट्रेट रोड पे एक पार्टिकल जा रहा है और स्पीड उसकी 36 किलोमीटर पर आर है तो पहले तो स्पीड को हम लिख लेते हैं इनिशियल स्पीड इनिशियल स्पीड इज इक्वल टू 36 किलोमीटर जिसको 5 बाई एटीन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड ये कन्वर्जन आपको पता हो गया होगा अभी तक इट फॉलोज एक्सेलरेशन एज शोन तो ऑब्वियसली ए तक जो है एक्सेलरेशन इसका कॉन्स्टेंट है और उसके बाद एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है एंड डिटरमाइन द वेलोसिटी व्हेन इट पासिस पोजीशन बी तो सिंपलर प्रॉब्लम है बहुत डिफिकल्ट नहीं है तो मैंने आपको बताया था कि एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है और इसका जो एरिया होता है एक्सेलरेशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का एरिया इज इक्वल टू हाफ वी फाइनल होल स्क्वायर वी फाइनल होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल होल स्क्वायर ठीक है तो आप इससे भी डायरेक्टली निकाल सकते हो अगर मैं इससे डायरेक्टली निकालने की कोशिश करूं इसका टोटल एरिया निकाल लूं तो uh, हो वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन डायरेक्टली एक बार करके देख लेते हैं हाफ uh, अगर मैं यहां पे देखूं यहां पे मुझे बी पे निकालना है तो ऑब्वियसली एरिया निकाल लेंगे तो एरिया क्या हो जाएगा एरिया विल बी इक्वल टू वन इन टू हंड्रेड दिस इज द एरिया ये वाला एरिया शेडेड जो मैंने कर दिया ये वाला और दूसरा एरिया ये जो है ये कुछ ये वाला एरिया है ये भी निकाल लेते हैं सो दिस विल बी इक्वल टू प्लस हाफ यहां पे हो जाएगा हाफ सम ऑफ समल साइड्स विच इज वन प्लस विच इज वन पॉइंट फाइव ये हो गया सम ऑफ पैरल साइड्स तो वन एक तरफ और दूसरी तरफ पॉइंट फाइव मल्टीप्लाईड बाई जो उनके बीच का डिस्टेंस है विच इज हंड्रेड राइट तो ये कितना हो जाएगा दिस विल बी इक्वल टू हंड्रेड प्लस यहां से आ जाएगा फिफ्टी और फिफ्टी uh, अगर हम देखें तो पॉइंट सेवन फाइव सेवेंटी फाइव ये हो गया इज इक्वल टू हाफ वी फाइनल होल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल होल स्क्वायर वी इनिशियल कितना था 100 ओके okay? सो so 175 175 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 350 और 350 प्लस 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा वी फाइनल होल स्क्वायर एंड देयर फोर वी फाइनल विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ फोर meter per second so this will be your answer and you can find the answer directly by finding uh, area under the acceleration displacement graph aapko bahut kuch karne ki zarurat nahi to aap dekho bahut hi simple tha a aur s ka graph agar diya hua hai to it is direct where you can find uh, if you know the basic concepts around it chalo ab agla सवाल देखते हैं अगला सवाल भी मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया था अगला सवाल यह कहता है which is v square s का ग्राफ ये कहता है कि बॉडी जो है इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी डिक्रीजेस लीनियरली एज शोन फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द लास्ट थ्री सेकेंड्स बिफोर रीचिंग द पॉइंट बी मतलब बी uh, पहुंचने से तीन सेकेंड पहले तक का डिस्प्लेसमेंट आपको निकालना है कितना डिस्प्लेस किया अब इसको करने के लिए क्लियरली अभी हम क्या करेंगे इस, इस सवाल को ध्यान से देखो इसमें हमने क्या देखा है इसमें हमने देखा है सबसे पहले तो मैं यहां से एक्सेलरेशन uh, निकाल सकता हूं बिकॉज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्लियरली यहां पे एक्सेलरेशन uh, अगर मुझे निकालना है इस ग्राफ का तो अभी हम लोगों ने देखा था टू टाइम्स एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाफ इसका जो स्लोप था स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ वी स्क्वायर एस ग्राफ यही था सो बेसिकली टू टाइम्स एक्सेलरेशन इज स्लोप स्लोपर एस ग्राफ और इसका जो स्लोप होगा वो कितना हो जाएगा स्लोप विल बी इक्वल टू मैं निकाल सकता हूं स्लोप स्लोप विल बी इक्वल टू यहां से टू टाइम्स ए इज इक्वल टू फाइनल नाइन हंड्रेड माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड अपॉन थ्री हंड्रेड विच इज इक्वल टू माइनस सिक्सटीन हंड्रेड बाई थ्री हंड्रेड तो ये तो दो जीरो उड़ गए और यहां से ये भी उड़ गया तो ये कितना हो गया एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस एट बाई थ्री मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट मतलब ये टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है देखो यहां पे टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है अब अगर एक्सेलरेशन टाइम पे नहीं डिपेंड कर रहा है तो वेलॉसिटी ग्राफ क्या हो जाएगा टाइम ग्राफ जो है टाइम ग्राफ इसका स्लोप नेगेटिव है तो वेलॉसिटी ग्राफ विल एक्चुअली बी अ स्ट्रेट लाइन बिकॉज एक्सेलरेशन जो है कॉन्स्टेंट है तो मैं कुछ इस तरीके का वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना देता हूं यहां पे इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 50 जो ये वाला है बिकॉज वी कितना हो गया ये v और t ग्राफ बना देते हैं और दूसरा ग्राफ बना देते हैं यहां पे ये 30 पे इस तरीके से और दिया हुआ है 30 पे जो पोजीशन है वो कितनी है 400 है ओके okay? तो ये इस तरीके से दिया हुआ है और ये इसका एरिया जो होगा आ, इस ट्रायंगल का एरिया जो होगा कलर चेंज कर लेते हैं हम यहाँ पे इस ट्रायंगल का एरिया विल बी इक्वल टू 300 बिकॉज वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा और वो दिया हुआ है आपको अब अब ये डेटा दिया हुआ है इससे आपको लास्ट के थ्री सेकेंड्स में निकालना है तो पहले तो हम ये निकालेंगे कि यहां पर टाइम कितना हुआ ये आप निकाल सकते हो क्योंकि इसका स्लोप पता है माइनस एट और वैसे भी निकाल सकते हो कि वी इज इक्वल टू यू प्लस ए अब फाइनल वेलोसिटी यहां पे 30 है 30 डाल देते हैं इनिशियल वेलोसिटी 50 है और माइनस एट बाई थ्री टी ये कब हुआ ये भी निकल आएगा यहां से टाइम विल बी इक्वल टू 20 इन टू थ्री सिक्सटी बाई एट सिक्सटी बाई एट एट सेवन फिफ्टी सिक्स पॉइंट फाइव सेकेंड और सेवन पॉइंट फाइव सेकेंड सो ये टाइम यहां पे ये फोर हंड्रेड मैंने क्यों लिखा है यहां पे इसको हटा दो जल्दी से तो यहां पे टाइम जो हो जाएगा ये हो जाएगा सेवन पॉइंट फाइव ये सेकेंड ठीक है ये आ गया अब आपको निकालना है लास्ट के तीन सेकेंड मतलब कि फोर पॉइंट फाइव सेकेंड और सेवन पॉइंट फाइव सेकेंड के बीच में मतलब कहीं यहां पे अब ये कैसे निकाल लेंगे ये निकल आएगा कैसे निकल आएगा ये तो बहुत सिंपल है मैं ये कह दूंगा वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी बता देता हूं ये होता है थर्टी प्लस स्लोप एट बाई थ्री इन टू डेल्टा टी इन टू थ्री तो ये वैसे भी हो जाएगा और वैसे भी आप निकाल सकते हो कि स्लोप इज इक्वल टू फाइनल Which is, अगर आप यहां पे देखोगे फाइनल इज थर्टी माइनस जो वो निकालना है वी अपॉन टाइम इज थ्री और स्लोप है माइनस एट बाई थ्री आप यहां से देखोगे थ्री से थ्री कैंसिल हो गया और वी जो हो जाएगा ये यह यहां से वी आ जाएगा थर्टी एट मीटर पर सेकेंड तो ये वी आ गया यहां पर अब अगर वी आ गया तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हो ये इसका एरिया विल गिव यू डिस्प्लेसमेंट इन द लास्ट थ्री सेकंड इसका एरिया क्या हो जाएगा हाफ Into sum of parallel sides 38 plus jo ye wala side hai, which is 30 multiplied by distance between them which is 3 and therefore it is equal to 68 by 2 into 3 and this is 34 into 3 and this is equal to 3 4s are 12, this is a 9 uh, and it is 102 meter. So this is 102 meter. तो डिस्प्लेसमेंट आ गया इन द लास्ट थ्री सेकंड इज हंड्रेड टू मीटर एंड दैट इज द आंसर सो बच्चों देखो यहां पे ये सवाल डिफिकल्ट तो नहीं था बट हां अगर थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आराम से सॉल्व कर सकते हो ग्राफ की मदद से आपको कोई इक्वेशन लिखने की जरूरत नहीं है यू कैन विजुलाइज इट एंड सॉल्व इट प्रॉपरली तो वी स्क्वायर एस से मुझे क्या मिल गया एक्सोलेशन मिल गया और एक बार एक्सोलेशन मिल गया तो मुझे समझ में भी आ गया कि एक्सोलेशन कॉन्स्टेंट है और वैसे भी अगर वी स्क्वायर एस अगर इसका ग्राफ स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन विल ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट ये आप नोट भी कर सकते हो और अगर ये आ गया तो वीटी ग्राफ ड्रॉ करना बहुत आसान है वीटी ग्राफ ड्रॉ कर लिया उसके बाद आंसर निकालना बहुत आसान है अदरवाइज आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं बहुत सारे तरीके हैं यू कैन कीप सॉल्विंग दिस बाय वेरियस मेथड फिजिक्स की ब्यूटी ही यही है कि आप बहुत सारे मेथड से आप चीजों को सॉल्व कर सकते हो ठीक है बच्चों तो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन ट्राई टू प्रैक्टिस एज मैनी प्रॉब्लम एज पॉसिबल ऑन दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम और दीज टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव क्या बोला था कल मैंने करत करत अभ्यास के जरमती होत सुजान रसरी यावत जात के सिल पर परत निशान तो आप वो रस्सी हो जो सिल पर या फिर पत्थर पर भी निशान डाल सकते हो अगर आप कॉन्स्टेंटली मेहनत करते जा रहे हो और जो मैं करा रहा हूँ फिजिक्स तो मैं स्ट्रांग करा ही दूंगा आपको बट इसके अलावा भी मैथ्स विच इज वेरी इंपॉर्टेंट आजकल देख रहे हो गई एडवांस बहुत ज्यादा मैथमेटिकल हो गया है तो आपको मैथ्स पे स्पेशली किसी एक अच्छे सब्जेक्टिव किताब को पकड़ के उस पर फोकस करने की जरूरत है और केमिस्ट्री में तो स्टैंडर्ड बुक्स हैं आप उसको सॉल्व कर सकते हो या तत्व सॉल्व कर सकते हो अगर वेदांतु में हो तो एंड uh, uh, एकलव्य तो है ही आपके पास फॉर हाई लेवल थिंग्स एंड एक लव्य का सक्सेस रेट इज प्रेटी हाई जो बच्चा एकलव्य ज्वाइन करता है वो डेफिनेटली एडवांस तो क्लियर करता ही करता है सो so, all the very best if you have not already joined please uh, drop me a comment box and drop me a message on telegram and i will reach out to you or the team will reach out to you okay chalo thank you bacho bye bye take care and give me a thumbs up share this with as many friends as possible okay bye bye